जो प्रोग्राम है आगे के भी प्रोग्राम ये है, दूसरा ये है कि अच्छा प्रोग्राम दिया गया क्योंकि 7-8 महीने के बाद में SKM की मीटिंग हुई और जो हमारे साथी बाहर थे आज सर्वसम्मति से उनको सबको अंदर SKM का हिस्सा उनको माना गया है, क्योंकि सूखे ही आंदोलन में रहे और इलेक्शन से अलग भी थे, वो एक बड़ा मोमेंट बन रहा है और बरसात के बाद वो लगता है और बड़ा आंदोलन की एक रेखा बनेगी और जो भी हो अगले दिन में होंगे वे हम अगली जो भी SKM की मीटिंग होगी उसमें रहेंगे, जितने भी हमारे अभी 3-4-5 फैसले हुए हैं इस पर सभी लोग हम काम करेंगे भी 2 महीने, ये हमारे प्रोग्राम 2 महीने के लगे हुए हैं और आगे जो भी तय होगा वो हम करते रहेंगे, सारे प्रोग्राम आपको बता रहे प्रांत में उत्तर प्रदेश में हमारे घटक संगठन है ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा, उसके महासचिव हैं इलाहाबाद से डॉक्टर आशीष मित्तल। डॉक्टर आशीष मित्तल का नोटिस निकला है एज ए PO क्योंकि उनके ऊपर एक झूठा केस लगा दिया है और 6 मैंने पढ़ा वो पोस्टल पुलिस का कि 6 लोगों को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, वो बुलडोजर वाली जो घटना हुई उसके विरोध में आशीष मित्तल ने अपना स्टैंड लिया था। दूसरा, आज जिस तरह से दमन चल रहा है बंगाल में फरक्का जिले में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ये जो इस तरह का दमन हो रहा है और हम हर रोज देखते हैं कि कैसे 2-4 दिनों में हम देखते हैं कि कैसे तीस्ता से तलवार को एक झूठे केस में, यानी जो जिसका वो इंसाफ लेने गई थी उसी के विरोध में उसके ऊपर FI दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपके साथी हैं मोहम्मद जुबैर जी, उनको आर्ट न्यूज के वो हेडकोर्ट ही तो हैं, उनको कैसे पकड़ के झूठा केस में जाके अभी उनको कितना तशद्दुद किया गया और किसे उनको जेल भेजा गया। सो ये तमाम दमन का जो एटमोसफियर बनाया हुआ है दिल्ली सरकार ने, BJP की सरकार ने, इसका संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना एक मता पास करके निंदा की है और डिमांड की है कि दमन बंद किया जाए। डॉक्टर सुशील हमारे आशीष मित्तल जो हैं उनके खिलाफ FIR जो है वो वापस ली जाए और साथ ही ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, कलाकार लोग जो मानव अधिकारों के लिए, जनवादी अधिकारों के लिए जो लोग संगठन बना के या व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं या संघर्ष करते हैं उनके खिलाफ जो भी केस बने हैं वो वापस लिए जाए और जो जेलों में बंद कर दिए गए हैं उनको रिहा किया जाए। और एक पत्रकार को ये अजय मिश्रा टेनी के गाड़ियों के नीचे रोंग डाल दिया गया, वो मर गए, 5 शहीद हुए, ये सब आप जानते हैं। तो अभी हमने ये तय किया कि 18, 19 और 20 अगस्त ये 3 दिन लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पूरी ताकत लगाएगा, उत्तर प्रदेश की तो लगाएगा ही लगाएगा, सवाल ही नहीं है, दूसरे राज्यों से भी किसान आएंगे और 18, 19, 20 अगस्त को एक बहुत जबरदस्त 3 दिन का और 75 घंटे का लगातार जत्था वहां पर हमारा जो मोर्चा है वो लखीमपुर में रहेगा, जिसके अंदर हजारों किसान ये लखीमपुर खीरी के ये शहीदों के इसके बारे में वो सब वहां आएंगे। और मुख्य मांग हमारी होगी अजय मिश्रा टेनी ने इस्तीफा देना चाहिए, उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ये हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का पहले से हमारी जो मांग है, इस मांग को लेकर 3 दिन 18, 19, 20 अगस्त लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा 75 घंटे का, क्यों 75 घंटे, क्योंकि 15 अगस्त को 75वां हमारे आज़ादी का वो साल है, 75 साल पूरे होते हैं तो 75 और उसमें आंदोलन के बारे में 3 महत्वपूर्ण फैसले ये आज हमने सर्वसम्मति से लिए। पहला फैसला ये है कि अभी तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद जो नवंबर के 19 तारीख को रद्द हुए, दिसंबर में 9 तारीख को हमने इस आंदोलन को सस्पेंड करने का निर्णय लिया,
सरकार ने जो खत भेजा था उसके अंदर बाकी की जो हमारी मांगे थी वो पूरी करने की उन्होंने पूरा वादा किया था लिखित रूप में केंद्र सरकार ने, लेकिन आज भी इनमें से एक भी बात उन्होंने लागू नहीं कर दी। और इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये तय हुआ कि एमएसपी की जो मांग है, डेढ़ गुना दाम लागत खर्चे का किसानों को मिलना चाहिए, उसकी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उसका कानून बनना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी आगे नहीं हुआ है। बिजली बिल, इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में चर्चा करने वाली थी सरकार, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। और आज उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, दूसरे जगह में ये जो हमारे किसानों के जो मोटर पंप है उसको मीटर लगाकर आज बिजली के दाम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की साजिश ये सरकार कर रही है। तीसरी बात, हमारे केंद्र सरकार ने ये कबूल किया था हम सब आंदोलन के केस वापस लेंगे, एक भी केंद्र सरकार ने केस वापस नहीं ली, रेलवे की नहीं ली, दूसरे भी नहीं लिए। तो ये केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार, हरियाणा ने कुछ लिए लेकिन कुछ नहीं लिए, यूपी में कुछ ज्यादा नहीं लिए वापस, तो ये केस वापसी का मामला है। ये सब मामलों के ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया, 18 जुलाई से जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में शुरू होगा, 18 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक एक पूरे देश के अंदर हमारे हर जिले में 500 से ज्यादा जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के जिला सम्मेलन होंगे, जिला कॉन्फ्रेंस होंगे, और ये सभी इनके अंदर बड़े पैमाने पर लाखों किसानों को हम लामबंद करेंगे इन वादा खिलाफी के खिलाफ। नंबर एक, सरदार उधम सिंह जी की शहादत का दिन है, उस दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 31 जुलाई को पूरे देश में अलग अलग जगह में, हर जिले में, हर तहसील में, ज्यादातर गांव के अंदर भी एक बहुत बड़ा चक्का जाम आंदोलन 31 जुलाई को ये पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। हम ये मानते हैं, इसकी आज चर्चा हुई, और एसकेएम ये मानता है कि ये अग्निपथ योजना राष्ट्र विरोधी है, सेना विरोधी है, नौजवानों के भी विरोधी है, और इसके चलते 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़ा कॉल दिया था, हजारों लाखों किसान रास्ते पर आए, नौजवान रास्ते पर आए। अभी हमने तय किया 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, यानी स्वाधीनता दिन के पहले सप्ताह में पूरे देश भर में जय जवान जय किसान ये बड़े सम्मेलन हर जिले में हम लेंगे, ये अग्निपथ योजना के खिलाफ में 7 अगस्त से। जैसा आप जानते हैं, आज एक लंबे अंतराल के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की देश भर के सभी संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक विशेष राष्ट्रीय बैठक यहाँ गाजियाबाद में हुई। जैसा आपने देखा, बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण और आम सहमति के माहौल में हुई, और इस मीटिंग में कुछ बहुत बड़े फैसले हुए हैं इस आंदोलन को आगे ले जाने के। मैं यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे सभी साथियों का परिचय करवा दूँ। दाहिने हाथ में या कोने में हैं श्री हनन मौला। हनन मौला जी अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं, वैसे 8 बार लोकसभा के मेंबर भी हैं। मेरे साथ दाहिने हाथ में हैं श्री जोगेंद्र सिंह उग्राहा, आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं, देश के जाने माने किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। मैं योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन से और संयुक्त किसान मोर्चा की
सात सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। आप डॉक्टर दर्शन पाल, आप क्रांतिकारी किसान यूनियन से हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी सात सदस्यीय है उसके सदस्य हैं। राकेश टिकैत जी को हर कोई जानता है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की सात सदस्यीय कमेटी के सदस्य युद्धवीर जी आज नहीं आ पाए, नहीं तो वो भी हमारे बीच में यहाँ पे रहते। और बाएं हाथ पे अशोक धावले जी हैं जिन्होंने आज की इस मीटिंग का संचालन किया। अशोक धावले जी भी अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने किसान आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण किताब लिखे। सबसे पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय मीटिंग नई दिल्ली गाजियाबाद में आज तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और कई माह बाद एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता, तमाम देश से आए नेता उपस्थित रहे और इसमें सर्वसम्मत से जुलाई और अगस्त के दो महीना के आंदोलन की बड़ी रणनीति तैयार की गई है और लखीमपुर खीरी में भी 75 घंटे का बड़ा आंदोलन होगा। इसी तरह चकाजाम सहित तमाम आंदोलनों का निर्णय लिया गया है और 16 जो संगठन संयुक्त किसान मोर्चे से पंजाब चुनाव के बाद बाहर थे उनको वापस लिया गया है। 4-5 संगठन अभी बचे हैं जिन पर अभी निर्णय बाकी है, आगामी मीटिंग के अंदर उसमें निर्णय हो जाएगा। तो इस तरह से आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सेलिक्स पॉपुलर पता नहीं कौन पौधा है, हम तो जनवे नहीं हैं, तुम हमारा पौधा तो काट डाले जो मेन है।